अदान सिद्दीकी साहब, वैसे तो आप बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं, लेकिन कुछ आपके कैरेक्टर्स के बाद ये तासुर फैल गया है कि आप अच्छा खासा हस्ता बस्ता घराने के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन ले आते हैं, ये क्या बात? नहीं नहीं, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन मैं नहीं लेकर आया हूँ, इसके जिम्मेदार हैं खलील रहमान कमर, हाँ हाँ, और उससे बढ़कर हुमायूं सईद। आए हाय 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 हाय, तो ये आप उनके घर में लेके आए थे, और इसमें आप डायरेक्टर साहब को भूल गए, नदीम बेग साहब को? नदीम बेग तो बेचारा बड़ा बेजरर सा इंसान है। असल करता धरता यही दोनों है। आए, जब पढ़ रहे थे तो जब यहां तक पहुंचे कि ये होने वाला है, इनपुट क्या थी? यकीन मानो कि ये अचानक आया है सीरियल मेरे पास, जबकि मुझे ये कहा गया कि 6 साल से हमने लिखा हुआ था और तुम्हें इस किरदार के लिए सोचा हुआ था। 6 साल से उनको पता था कि यही बंदा है खराब, यही बंदा है खराब। मेरा जो पहला सीन था, मैंने उस वक्त तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था, ओके, मेरा पहला सीन वो वाला था जिसके अंदर जो बहुत ही मशहूर हुआ 2 टके। अच्छा, वो पहला सीन था? पहला सीन था मेरा सीरियल का। ओए होए होए, और जब वो बोल रहा था हुमायूं, ये बात, ये डायलॉग कह रहा था, उस वक्त मैं बिल्कुल, मैंने कहा ये क्या बात कह गया भाई, ओए होए होए, ये तो पढ़ना पड़ेगा यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, ऐसे तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं घर गया हूँ, मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा है, एंड मुझसे रुका ही नहीं गया। मैं जब पढ़ता गया तो फिर वो ऐसे जुमले लिखे हुए थे जैसे जैसे किसी भी शेर का ताना बाना बहुत ज़रूरी होता आए, है, आए, आए। इसी तरीके से खलील साहब ने वो जुमले लिखे थे और सही किया मेरे साथ नदीम बेग ने। मेरे पास तुम हो हैड इट्स फेयर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सी, और जिस तरह लोगों ने कहा कि जी इसमें औरत को बतौर कमोडिटी दिखाया गया, आप एज पर्सनल एक्टर इससे एग्री करते हैं या आपका अलग ओपिनियन है? देखो, मैं तो इससे एग्री नहीं करता। देखो, अच्छे मर्द और औरत हर माशरे में हर जगह होते हैं। बिल्कुल, अच्छे बुरे, बिल्कुल, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसे ही। बिल्कुल, आप कुछ भी कहें, आप इस वक्त बादशाह आप हैं, आप अंडा दें या बच्चा, ये तमाशा मेरा है, आपका नहीं। ये आपका है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी औरत की इजाज़त के बगैर कितना भी बड़ा बदमाश आदमी हो कुछ नहीं कर सकता। हाय, क्या बात। तो वहाँ से थोड़ी सी इजाज़त मिलती है तो यहाँ थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है।